दीजिए मैडम आपका ऑर्डर। तैना ये क्या कर रही है तू? हे रुक रुक, हाथ से मत उठा। सब देख रहे हैं। ये तुझसे नहीं होगा। चैलेंज कर रही है। ये दिखा रहा मुझे। बियॉन, हाँ? तेरे शर्ट में कुछ है। हाँ? ये क्या कर रही है तू? सब देख रहे हैं। तू इसे डिलीट करती है या मैं करूँ? नहीं, अब तो ये मेरी मोबाइल का वॉलपेपर होगा। रुक, क्या कर रही है? अब देख, अपना जलवा दिखाती हूँ। है ना सेक्सी? अपनी सेक्स अपील के सामने तो इस मैगज़ीन के फ्रंट पेज में छपने लायक है। चल चल, केटी के आने तक हम ही इसे पी लेते हैं। केटी, ऊपर क्या है देख? क्या कर रही है? चला। इसकी टक्कर की तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। चला। बात यह है कि मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। सोचती हूँ कि अपना जिस्म किसी को अच्छा तो भूख जग गई या प्यास बढ़ गई? ये क्या कह रही है तू? तेरा उद्घाटन कौन करेगा? जो भी मुझे ज्यादा अमाउंट देगा वो। फोकट में भी तेरे पास कोई नहीं आने वाला। ओके, कोई ना कोई लल्लू तो फंसेगा ही। चल ढूंढते हैं। इस रेस्टोरेंट में देखते हैं। हे स्टेला, वो चलेगा क्या? नहीं यार, ये तो ढीला ढाला अधेड़ है। ओपनिंग बैट्समैन दमदार और अच्छा स्ट्रोक प्लेयर होना चाहिए। ये तो बैट हाथ में लेते ही आउट हो जाएगा। ई, वो ब्लैक टी शर्ट वाला कैसा रहेगा? उसकी तो शक्ल से ही लग रहा है कि उसे एड्स है। अच्छा बता, तुझे मजा चाहिए कि सजा चाहिए? चल बता बता, तुझे पैसा ही कमाना है कि मजा भी लेना है? तू मेरी हालत जान रही है, फिर भी तेरे को पैसा ही चाहिए तो ये कड़का जीन्स वाला भी नहीं चलेगा। छोड़ इसे। ए, ये सही पार्टनर रहेगा। हाँ? $15,000 देगा बोलता है। $15,000? 25 मांग के देखना। 25 ज्यादा नहीं लगते? अच्छा तो ठीक है, 20 में पटा ले, वो भी कैश। मान तो जाना चाहिए, पटा के देखती हूँ। कितना लिख दो? ओके, तुम्हारे लिए मैं इतना और एक्स्ट्रा दूंगा। हाँ, ये ठीक है? ओके। 20 पर राजी हो गया? कैश देगा ना? नहीं, एटीएम पे ट्रांसफर करेगा। मगर मेरा तो अकाउंट ही नहीं है। तो क्या हुआ? मेरा अकाउंट है ना, एक्टिव है ना। भूल रही है ना? है। जाना कौन सी जगह है? टॉयलेट। टॉयलेट में? अंदर जल्दी निकलो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जल्दी बाहर आओ। आओ ना। अरे क्लाइमेक्स चल रहा है, बस हो गया, जल्दी आओ। पैसा ट्रांसफर हो गया ना? तूने मेरा ही अकाउंट नंबर दिया था ना? हाँ, तेरा ही दिया था। मगर मेरे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं आया। ये क्या कह रही है? तो तूने ठीक से देखा तो सही ना, जल्दबाजी में तूने? हाँ देखा है, इसे पूछ ले। मुझसे झूठ तो मत बोलो। हमें दिख रहा, ऐसा लग रहा है तुझे? हे, तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो? ऐसे मैटर्स में कैसा मजाक? तो मैं क्या करूँ? ऐसा कर, सीधा जाके उससे मिल और पैसों को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने को बोल। वो करेगा ना? वो है कहाँ? वो तो चला गया। सचमुच बुद्धू है तू, उल्लू बना गया वो तुझे। मुफ्त में ही मजा ले लिया उसने। ऐसा होगा, मुझे क्या मालूम था। देख बेवकूफ को। बस करो।
मैंने क्या क्या सोचा था, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। इन पैसों से मैंने बहुत सारी चीजें खरीदने की सोची थी। नई सैंडल्स, बढ़िया सी पार्टी ड्रेस लेनी थी और एक नया सेलफोन भी लेना था। नया सेलफोन खरीदना था तुझे? हाँ, वो कैमरा वाला, बहुत जरूरत है मुझे। ठीक है बाबा, इसके लिए यूं रोने की क्या जरूरत है, रुपए मुझसे ले ले। Thank you.
भी पत्नी को गवारा नहीं होता, मेरी माँ को भी नहीं हुआ। इस सदमे ने उसे पागल बना दिया। कहाँ गया, मिल क्यों नहीं रहा? यही तो गिरा था। देखा नहीं गया, मैंने वो घर छोड़ दिया। कई बार माँ को साथ चलने के लिए कहा, वो नहीं मानी। कुछ भी हो जाए मैं बर्दाश्त कर लूंगी, अपना घर नहीं छोड़ूंगी। ये माँ का फैसला था। एक तरफ मेरे घर के हालात, दूसरी तरफ मेरी सहेलियाँ। कैटी ने पैसों के लिए अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इंसान के शरीर में जान कहाँ होती है मैं नहीं जानती, मगर मेरी नजर में एक लड़की का कुंवारापन ही उसकी जान होती है। एक बार गलती से भी इसे गवा दिया जाए तो ये जिस्म बेजान मुर्दे की तरह हो जाता है। केटी का हाल अब ऐसा ही है। मौज मस्ती के लिए अपना कुंवारापन लुटाकर वो एक जिंदा लाश बनी घूम रही है। एक लड़की का कौमार्य, उसका कुंवारापन कोई एक्सचेंज ऑफर वाली चीज नहीं है कि इसके बदले कुछ और ले लो। एक कुंवारी का कुंवारापन एक अनमोल नगीना होता है, जिसे गवा देना मर जाने की तरह है। जिसे खोकर आज केटी बेजान जिस्म रह गई है। सिर्फ जिस्म, मर्द की हवस पर बिक जाने वाला जिस्म। ऑटो नहीं चाहिए मैडम। नहीं, बड़ा गुस्सा।
जाऊंगी टैक्सी में। टैक्सी में? तू तो ऑटो में जाती है ना? अब नहीं यार, अब तो मेरा स्टेटस बदल गया है। नई ड्रेस, नया अंदाज, सब कुछ नया नया। ओके देन, कॉलेज में मिलते हैं, बाय। हाय बियन, व्हाई डिड यू लीव अर्ली लास्ट नाइट? द पार्टी हैड जस्ट स्टार्टेड एंड आई वाज सर्चिंग फॉर यू। आई एम सॉरी स्टेला, आई वाजंट फीलिंग वेल लास्ट नाइट। आई होप किटी इज कमिंग टू कॉलेज टुडे। Okay, Stella, catch you guys at college. अच्छा तो टैटू के बहाने लड़कों को रिझा रही है, उसे छोड़ो, जो दिखाती हूँ देखो, खास चीज। ये हमेशा तेरे रास्ते में आती है, इसे तो छोड़ना मत, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, कुछ करना होगा। चल बियॉन, रास्ता छोड़, देखना यार, सच में यार, मुझे तो दिल कर रहा है मैं भी लगा लूं वाकई। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, कल हमने जहाँ से छोड़ा था आज हम वहीं से शुरू करें। कोई भी यहाँ आके मोहब्बत के बारे में कुछ भी कह सकता है, कौन आना चाहेगा सबसे पहले? Now what's a montag? It's nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Be some other name. What's in a name? That which we call a rose. By any other word would smell as sweet as so Romeo would. Were he not Romeo called, retain the dear perfection which he owes, without that title. Romeo said, thou shalt not take my life for the title. Juliet stood apart, Romeo doff thy name, and for that name which is no part of thee, take all myself. Thy shall come, take all myself. Okay, the stage is now open. Feel free to exhibit your talents. Now who's gonna come first? Okay, Luna? इस हीरो से ही बेखबर दिल ही दिल में इसे चाहने वाली एक लड़की की कहानी है ये। मैरिक्स एक दिन कॉलेज जाते हुए उसे एक नजर देखा, पहली ही नजर में मैं अपना दिल उसे दे बैठी। तब से रोज उसे देखना जैसे मेरी चाहत बन गई। उसका पोस्टर हमेशा अपने बैग में साथ रखती हूँ। अचानक एक दिन किताब निकालने के लिए मेरी एक सहेली ने मेरा बैग खोला तो उसने वो पोस्टर देख लिया। बियॉन, ये तेरा प्रेमी है, तूने मुझे बताया नहीं? उसके ये पूछने पर मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं गया, मैं तो जैसे गूंगी ही हो गई। तब मुझे ऐसा लगा कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया, जिसके बारे में मैं बिल्कुल बेखबर थी। हे लूना, क्या हुआ बियान? प्यार एक मीठा गुदगुदाने वाला दर्द है, ये मैंने उसी दिन जाना। इस मीठे एहसास को तो मैं अब जीने लगी हूँ। वो मेरी पर्सनल डायरी है, किससे पूछ के तूने उसे हाथ लगाया?
तो उसे नहीं पढ़ सकती। मेरे दिल में जूली, क्या क्या एक बार तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? I love you, जूली। हाँ? कट! इस शॉट के एंड में तुम्हें किस करना था, मगर तुम तो इसका चेहरा ही देखते रह गए। इमरान हाशमी की फिल्में नहीं देखते? तुम तो किस कर सकती थी, ये 25वां टेक था। तुम्हारी सारी फिल्मों में तो किसिंग ही हाईलाइट रही है, अब क्यों झुझक रही हो? इसके मुंह से बदबू आती है। लो, एक बार स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से पढ़ लो। मैं? यस। सर, मैं इसलिए नहीं आई हूँ। ये मैं आई हूँ सर। ओके, लो ये जो अंडरलाइन किया उसे अच्छे से पढ़ लो। तैयार हो? एक रिहर्सल कर ले। यस सर, ऑल द बेस्ट। ठीक है, मैं एक्शन बोलता हूँ, तुम शुरू कर दो। ओके, एक्शन। बोला ना एक्शन मैंने। तुम्हें मैं कितना चाहती हूँ ये तुम अब तक भी नहीं जानते। इतना चाहती हूँ कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ओके, ठीक है, और आगे बढ़ो। हमारा प्यार कोई मामूली प्यार नहीं है। सारे रिश्ते निगाहों से शुरू होके बाहों में पलते हैं, मगर हमारा प्यार बाहों से शुरू होकर निगाहों में आ बसा है। इस जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में। हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। अच्छा था, तुमने तो न्यूज रीडर की तरह पढ़ डाला। ओके ओके, आई एम सॉरी। इस कैरेक्टर को फील करके एक्ट करने वाली चाहिए थी। तो ये कैरेक्टर? निराश मत होना, ये कैरेक्टर नहीं तो कोई और कैरेक्टर दूंगा मैं तुम्हें। तुम बस प्रैक्टिस करती रहो। ओके, थैंक यू सर। अच्छा किया उसने। हाँ, वो खूबसूरत तो है मगर एक्टिंग नहीं आती उसे। मैं बाहर रुकती हूँ। एक मिनट रुको, तुम इसे ट्राई करके देखते हैं। सच कह रहे हैं आप? हाँ, ट्राई करने दो उसे। मैं तुम्हें जो सीन दे रहा हूँ वो एक लव सीन है, ठीक है? अच्छे से बोल लो इसे। और कहाँ गया उस सीन? ये सीन वो शट रहा। ओके, ये सीन ऐसा है, दो बिछड़े प्रेमी काफ़ी दिनों के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। हालात ने इन्हें मिलने नहीं दिया है और आज जाके वो मिले हैं। तो आज जब वो मिले हैं तो दोनों की आंखों ने एक दूसरे की आंखों से क्या कहा होगा, ज़रा महसूस करो। और इतने दिनों तक मुझसे दूर कैसे रहे? तुम्हारे बिना एक एक पल एक एक युग की तरह लग रहा था। अब मैं तुमसे एक लम्हा दूर नहीं रहूंगी, कभी दूर नहीं रहूंगी। मैं भी तुम्हारे बिना बहुत उदास था। तुम्हें कब देखूं, कहां कैसे मिलूं? ये सोच सोच के तड़पती रही हूँ। इस जन्म में हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, हमें सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है।
तुम्हें छोड़कर मैं भी कहने जाऊंगा। थोड़ा और। हमारे दिलों में उमड़े प्यार का एहसास कोई मामूली एहसास नहीं है, ये कोई मामूली एहसास नहीं है। हाँ, हम दोनों का रिश्ता दिलों का रिश्ता है, सिर्फ दिलों का रिश्ता है। Come on, और बेहतर। सिर्फ इस जन्म में ही नहीं। Yes, सही है, एकदम सही है। हम कितने भी जन्म ले लें, मैं तुम्हारी और तुम मेरे रहोगे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। Yes, got it. तू अभी नहीं आती ना, तो मैं आने ही वाली थी, बस आ गई ना मैं। स्टेला कहाँ है? मेरा प्यार सिर्फ मेरा है, इसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। इस तरह क्यों देख रही है? कुछ तो बात है। इस तरह क्यों घूर रही हो मुझे? मैं उस डायरेक्टर से तेरे बारे में ही बात कर रही थी। कह रहे थे तुझ में एक टैलेंट तो है, बस और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिल से कोशिश करो, रोज प्रैक्टिस करो, तुझे वो रोल जरूर मिलेगा। ये सब इसके बस का नहीं है, चल चलते हैं। तू चुप कर, मुझे वो कैरेक्टर जरूर मिलेगा, इसका भरोसा है मुझे। हमारा साथ तो जन्म जन्म का है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इस तरह नहीं स्टेला, इस तरह के प्यार भरे डायलॉग्स दिल से बोले जाते हैं। अगर सीधे सीधे बोलेगी तो सिर्फ डायलॉग्स ही लगेंगे। हे, ये चश्मा कहाँ से खरीदा? बहुत प्यारा है। पहले इसे दिल से महसूस कर, फिर अपने आप भाव भी आ जाएंगी और तू एक्टिंग भी करने लगेगी। हे स्टेला, बोलना कितने में खरीदा? अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर, फिर देख कैसे आती है फीलिंग्स। इससे बेटर मॉडल नहीं मिला? तो चुप नहीं रह सकती? ऐसे भड़क क्यों रही है? चश्मा अच्छा लगा, कहाँ से खरीदा, बस पूछ ही तो रही थी। मैं यहाँ डायलॉग के लिए परेशान हूँ और तू है कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन तोड़ रही है। मेरा एक्ट्रेस बनना पसंद नहीं है तुझे? चला, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, टेंशन मत ले, बेकार में ही अपना सर खपा रही है तू। ये एक्टिंग वैक्टिंग तेरे बस की बात नहीं है, तू भूल जा। मुझ में टैलेंट नहीं है, ये खुद ही समझ लेना चाहिए। चुप कर नहीं तो। कौन है? हाँ आती हूँ। यहाँ और रही तो किसी का खून हो जाएगा। जाती हूँ मैं। कोई तरक्की करे, ये तुझे कहाँ पसंद होगा? तू भी मेरे साथ चल बियोन, तू यहाँ रही तो तू भी पक जाएगी। ए, जो भी मुंह में आए बोले जा रही है। ए, बेकार में गुस्सा मत कर, वो नादान है। तू तो नादान नहीं है ना? आजा मेरी बुलबुल, तेरे इंतजार में तो आधा हो गया। अरे मैं तो टेंशन में था कि फंसा हुआ कस्टमर कहीं गुल ना हो जाए। अब तू नहीं आती तो अपने बाल नोच लेता मैं। तो मैं कभी लेट नहीं होती। सब रेडी है ना? एकदम जाने मन। कैश या कार्ड? वो भी कैश। रूम कहाँ है? थर्ड फ्लोर। रूम नंबर? 316। वैसे उम्र क्या होगी उसकी? जानू, सो के कमाने वाली को सोचना नहीं चाहिए। उम्र से तुझे क्या मतलब, तो रोकड़े से है।
भी जन्म में हमारे प्यार को हमसे कोई छीन नहीं सकता सिवाय मौत के। पियोन, हेलो, मुझे तुझसे फौरन मिलना है। क्या बात है? वो मैं मिलने पे बताऊंगी, मैं जहाँ बोलूँ तू आ सकती है क्या? कल मिलती हूँ ना। पियोन, तू मेरा हाल नहीं समझ रही है। हमारे प्यार को मैं कोई छीन नहीं सकता। मैं स्टेला को अकेली छोड़कर नहीं आ सकती। मगर मुझे अभी मिलना है। कल कॉलेज में मिलते हैं ना। ओके, जैसी तेरी मर्जी। केटी, शिट, शिट, केटी, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता, कभी नहीं। किसी भी औरत के गर्भधारण का मुख्य कारण है मर्द के शुक्राणु, जिसका एक कण औरत के गर्भाशय में आ जाए तो गर्भ ठहर जाता है, जो कि कुछ ही महीनों में गर्भ में पलकर एक शिशु का आकार लेने लगता है। एक जवान लड़की को मां बनने के लिए अपने मन से और तन से दोनों तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों में से किसी के भी बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स हो तो बताए, झिझकने की जरूरत नहीं है, खुल कर कहे। ओके, हाथ नीचे कर लो। स्टूडेंट्स, तुम में से किसी ने भी अपने पार्टनर्स के साथ सेक्स किया है? वाओ, शादी से पहले किसी के साथ भी शारीरिक संबंध रखना बहुत गलत बात है। ऐसा करने से स्टूडेंट्स तुम्हारी लाइफ को ये खराब कर देगा। एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि इस स्टेज में संयम रखना जरूरी है। तुम्हारी उम्र की कोई लड़की अगर गर्भवती हो जाए तो सोचो क्या होगा। बच्चा पैदा करने के लिए शारीरिक विकास अभी तुम लड़कियों का नहीं हुआ है, सो बी केयरफुल। प्रियोन, मैं हूँ। बोल, कहाँ है तू? साइंस क्लास में हूँ। वहाँ क्या कर रही है? तू कहाँ है? मैं कॉलेज में ही हूँ। कॉलेज के अंदर? कॉलेज के अंदर। कॉलेज में कहाँ? टॉयलेट में हूँ। तू यहाँ जल्दी आ जा प्लीज। फॉर गॉड सेक, बहुत अर्जेंट है। ठीक है, आती हूँ। सॉरी मैडम, मुझे अर्जेंटली जाना है, परमिशन दीजिए ना। हाँ, मुझे भी जाना है। बियोन, सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तू ये क्या कह रही है? तू कल रात जिसके साथ गई थी ना, ये कौन सी नई बात है? ये तो रोज का ही किस्सा है। फिर मैं तो लुट गई, पूरी रात मैं सो नहीं पाई। क्या हुआ ये तो बता। वो क्या है कि वो बोल ना। क्या कहूँ, कैसे कहूँ? कम ऑन, उसने कॉन्डम नहीं पहना था। तू प्रेग्नेंट तो नहीं है ना? बताना मैं क्या करूँ बियोन। अरे ये कोई बड़ा प्रॉब्लम थोड़ी ना है। केटी, बस एक अबॉर्शन टैबलेट निगल ले और ऊपर नीचे कूद। अगली बार वो भूल जाए तो कॉन्डम तू पहना देना। ठीक कहा है उसने? उसने जो कहा वैसा ही करूं, पर कैसे करूं? चल उठ, जम कर, कम ऑन, ऐसा ही कर, अच्छे से कूद।
हाँ कूद, नहीं होता कूद, मुझसे जंप कर। वन टू थ्री, वन टू या, वन टू, वन टू या, थ्री फोर टेन, वन टू, वन टू थ्री फोर या, कम ऑन, वन टू थ्री फोर। बियॉन क्या सोच रही है, उतर ना। तू जा, अचानक मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अचानक हीरोइन ने आने से मना कर दिया है। तुमने फोन किया था? किया था सर। शिट शिट शिट, चांस मिलने तक पीछे पड़ी हुई थी, चांस मिलते ही पीछा छुड़ा लिया उसने। लास्ट चांस, उसे फोन करके कहो मुझसे पर्सनली बात करे, ठीक है? फिर सोचते हैं क्या करना है। ठीक है सर। अब उसे पता चलेगा कि मैं चीज क्या हूं। यस, आज पता चलेगा उसे। जा फोन कर। ठीक है सर। ओके ओके, चलो सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ, चलो। मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया। कमिट किया था कि साथ से वो धोखा दे। मैं आपसे ही मिलने आई हूं। यस, अगर आप मन बना ले तो मुझे सेकंड चांस दे सकते हैं। मैं सारे कैरेक्टर्स फाइनल कर चुका हूं, बस एक मौका दीजिए सर। अगली फिल्म में दे दूंगा मैं, बहुत अच्छी फिल्म में दे दूंगा, बोल रहा हूं मैं तुम्हें। एक मौका दीजिए सर। ए, देखो 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 देखो, सेट लाइट सब तैयार है, फिर भी डिस्टर्ब करती जा रही हो तुम। ए, सर, इस लाइट को ले जाकर वहाँ रखो। हाँ ओके सर, कम ऑन जल्दी करो, लाइट जा रही है, जल्दी करो जल्दी करो। यहाँ ठीक है सर, फ्रेम के राइट में आना चाहिए सर। हाँ। मैं सारे डायलॉग्स अच्छे से रिहर्स करके आई हूँ, मेरा परफॉर्मेंस तो देखिए। मैं समझ रहा हूँ, मगर कैरेक्टर सिलेक्ट हो चुका है सर। प्लीज ना मत बोलिए सर। कहाँ है वो जो तुम्हारे साथ आई थी? मैंने उसे इस कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बिना ही चली गई है। जाओ उसे लेकर आओ, जाओ जाओ जाओ। बियॉन को आपने? यस, वही वही जो तुम्हारे साथ आई थी, जल्दी लेकर आओ उसे, टाइम वेस्ट मत करो। सर छोड़िए ना उसे, वो नहीं आने वाली, मैं तो आई हूँ ना। ए जस्टिन सर, इधर आओ, बाहर ले जाओ, ले जाओ ले जाओ, जल्दी जल्दी ले जाओ। क्लियर क्लियर, अरे क्विक क्विक आइए। लेकिन सर मैंने कहा ना आपको दूसरी बार चांस। सर मुझे एक मौका, चलिए मुझे एक मौका तो दीजिए सर। चलिए कम ऑन सर। अरे मैडम सुनिए, मैडम मैडम मैं परफॉर्म करके ही रहूंगी। मेरे दिल में तुम्हारा सच्चा प्यार बसा है, कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। तुम चाहिए, तुम्हें पाना है मुझे, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एक एक पल तुम्हारे लिए तड़पती रही हूँ, समझते क्यों नहीं, मेरी तकलीफ को समझो। हर लम्हा तुम्हारे साथ ही जीने के सपने देखती रही हूँ, वो सपना ही रह जाएगा क्या? क्या वो सच नहीं होगा? मेरी अगर शादी होगी तो तुमसे ही होगी। Yes, that's it. क्या परफॉर्मेंस था, कमाल कर दिया तुमने, एक मंजी हुई एक्ट्रेस भी ऐसा नहीं कर सकती। वंडरफुल, ऐसे फीलिंग के साथ सीन किया है कि हैरान कर दिया। बट बात यह है कि प्रोड्यूसर ने इस कैरेक्टर के लिए किसी और को सिलेक्ट कर लिया है। लो आ गई जस्टिन, सब तैयार है ना? लूना चलो चलो टेक के लिए तैयार हो जाओ सब, चलो जल्दी। सर अभी अभी आपने मेरा परफॉर्मेंस देखा, तारीफ भी की, मगर ये लूना इस लायक नहीं है सर। वो आप अगर बुरा ना माने तो इस रोल के लिए मैं, आप जो भी मांगे मैं दूंगी सर, आप मांग के तो देखिए सर।
ठीक है, तुम यही रहो, यही रुको। हेलो सर। हेलो। हाय। सब रेडी है ना? हाँ, यस यस। आइए आइए सर, छोटा सा गिफ्ट है। हाय स्टेला। मेकअप मैन और कॉस्ट्यूम वालों को बुलाओ। मेकअप के साथ रेडी हूँ मैं। हाँ आ रहा हूँ। सर कौन सा सीन शूट करने वाले हैं आप? सीन नंबर 16। 16? 16 नंबर तैयार नहीं हूँ सर। उसी सीन की लाइटिंग की है। ओके, ऐसा करते हैं, लंच ब्रेक के बाद काम शुरू करते हैं। यस राइट। ब्रेक। पैसा लेती हो ना, जो मेरी मर्जी होगी मैं वही करूंगा। मर्जी का मालिक हूं मैं, पैसा देता हूं। सच छुपाया क्यों मुझसे? उस कैरेक्टर के लिए तुम्हें सिलेक्ट किया है तो बता सकती थी ना? नहीं स्टेला, मैं तुझे बता देती तो तू बहुत अपसेट हो जाती, इसीलिए। मगर मैं इस तरह बेइज्जत तो नहीं होती। ऐसा होगा ये मुझे मालूम नहीं था। चेहरा सूजा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, वो जो ले गया था उसने बहुत टॉर्चर किया, पीछे छुड़ाना मुश्किल हो गया था। ये आँख के नीचे क्या हुआ है? छोड़िए सब, इन सब की तो आदत हो गई है। ये बताओ उस काम का क्या हुआ? उस डायरेक्टर ने क्या कहा? जहाँ गई थी मैं जीरो होके लौटी हूँ। वो कैरेक्टर अब कौन कर रही है पता है? लूना। लूना करेगी? यस, प्रोड्यूसर को फांस लिया उसने। एक्चुअली इस रोल के लिए डायरेक्टर ने किसे सिलेक्ट किया था पता है? इसे सिलेक्ट किया था? फिर कैसे लूना? इसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया था। तुझे वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना चाहिए था, बड़ा त्याग करने चली थी। अब क्या हुआ? वो रोल तुझे मिला ना मुझे। मुझसे वो नहीं होगा। होगा क्यों नहीं बता? क्योंकि उस रोल के लिए तू पागल थी। मगर तुझे इस पागलपन से क्या मिला? अब वो कैरेक्टर लूना कर रही है। हे, क्या नतीजा निकला इस सब का? हे बियोन, इधर आना जल्दी, तुझे एक बात बतानी है। जल्दी आ दौड़ के। मैं प्रेग्नेंट क्या बात है? सच कह रही है? स्टेला मैं क्या लाई हूँ देख, एक फिल्म का एडवर्टाइजमेंट है। तू इसमें काम कर लेना।
की स्टेला, एक बार मिस फायर हो गया बट इसमें तो सिलेक्ट हो जाएगी, फिर तू लूना को बीट करने जैसी बड़ी आर्टिस्ट बन जाएगी, समझ रही हो? मुझे नहीं लगता कि ये सब हो पाएगा। मायूस होके बोल रही है? एक एक्ट्रेस बनना कोई मामूली बात नहीं होती, इसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। हम तेरे साथ हैं। पटाने में बड़ी उस्ताद है तू। हाय गाइस, ये देखो मैं स्टेला के लिए क्या लाई हूँ। हाँ, ये तो सिर्फ स्टेला के लिए है। एक सोप एड में एक्ट करने के लिए एक मॉडल चाहिए और इसमें स्टेला जरूर सिलेक्ट हो जाएगी। रुक, मैं अभी आती हूँ। ए स्लीपर, तो देख कैसी फनी लग रही है। बकवास लग रही है। क्या चप्पल की डिजाइन है। तेरा नाम रजिस्टर कराई हूँ, नेक्स्ट तू ही है। क्या कराई तू? वो छोड़, ये अच्छे नहीं है क्या? अच्छी नहीं है। ये ले, मेरे शूज पहन ले। ओके। वो जो भी करने को कहे तो मान लेना, क्योंकि तू इसमें एक्ट कर रही है। तू समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ? ओके ओके। स्टेला, जल्दी जा, उठ। जो मैंने कहा वो याद रखना, समझ गई ना? गुड लक। इसकी चप्पल तो देख जरा। बियॉन, बियॉन, म्याऊ, म्याऊ। चुप रहना। हे, क्या हुआ? सक्सेस ना? पूछ रहे हैं ना? लगता है मुझे चांस मिल जाएगा। रियली? इसके लिए जो करना था कर आई। आने वाले कल की आर्टिस्ट चला के लिए। इसका क्रेडिट इसी को जाता है। ओके, चीयर्स। चीयर्स। हिस, चला, चल मेरे साथ चल। ठहरो, मैं भी आती हूँ। हाय बियॉन, ये ले इनविटेशन तेरे लिए। मैरिक्स के बर्थडे पार्टी के लिए जानबूझकर तुझे इनवाइट कर रही हूँ। तू मैरिक्स को कितना मन ही मन चाहती है जानती हूँ मैं। तेरे पीते कल का प्रेमी मेरे साथ क्या क्या हंगामे करता है जरा आके देख। उसे देख के तू तड़पे, जार जार रोए, जिसे देख मेरा मन झूम उठे। और भूलना मत याद से आना, ठीक है? बाय बियॉन।
तेरे मेरे बीच की है। हिम्मत है तो पंगा मुझसे ले। मैं तैयार हूँ, पर मारा मारी नहीं, वेरी सॉफ्टली। ओके, बॉटल बैग। ऑल राइट, कहाँ रखे? तू ही बता। ओके ओके। गाइस, बोतल का हेड जिसकी तरफ रुकेगा वो हारी। हारने वाला अपने कपड़े उतारेगा, साथ में अंडरगारमेंट्स। अब तू हारी तो जो मैंने किया वो तुझे भी करना पड़ेगा, बात समझी? नेक्स्ट क्या करें? तो नेक्स्ट तू डिसाइड कर क्या करे, नेकेट या लड़के के साथ सोएगी? तेरी दूसरी बात मान लूंगी। एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ? सब मेरी वजह से ना, मेरे लिए ही तो लूना से उलझी। तेरा वो सब करना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। देख स्टेला, मेरे लिए फिर कभी इस तरह कुछ मत करना, ठीक है? तू मेरिक्स को कितना चाहती है? लूना का इस तरह कहना मुझे अच्छा नहीं लगा। उस बात को जब मैंने दिल पर नहीं लिया तो तू क्यों परेशान हो रही है? मैं मेरिक्स को चाहती हूँ, उसे भी ये ना पसंद हो तभी मेरे प्यार को, मेरे जज्बात को कोई मुसल्लत नहीं कर सकता। चला, मैं जो कहने जा रही हूँ सुनकर तुझे बहुत दुख होगा, मगर सुन के तू अपसेट मत होना। क्या है वो, दिखा? ओह माय गॉड, तूने उस ऑडिशन में क्या किया था? दे मुझे। मैं इसमें हूँ? Ha ha ha!
प्रोस्टिट्यूट की तरह देखेगा। मैरिक्स उस लूना को नहीं मिलना चाहिए। कैसी है ये? वाओ सुपर। नई खरीदी? नई है क्या? हायर की है। बहुत ही शानदार है। किसकी है ये कार? मिस्टर सेलोफिन की। सेलोफिन से? उससे क्यों ली कार? बोल। क्या करती, उस ग्रैंड पार्टी के लिए ऐसी ही कार चाहिए थी। तूने मुसीबत को दावत दी है। उसकी कार में हल्की सी खरोच आ जाए तो वो जान ले लेगा। क्यों फिक्र करती हो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। बेफिक्र होके पार्टी की तैयारी करो, जाओ जाओ ना। जश्न की रात है क्योंकि आज मैरिक्स का बर्थडे है। आज की रात मेरी जिंदगी की एक यादगार रात होगी क्योंकि मैं खुशकिस्मत हूं ना। मैरिक्स की गर्लफ्रेंड होने के लिए एक अलग सी बात होनी चाहिए। यहाँ मौजूद कई लोगों को मुझसे जलन होती होगी। ओके, अब मैं मतलब की बात करूं। आज एक अलग किस्म की कंपटीशन की सोची है मैंने। वो ये कि जो भी मैरिक्स को हाई लेवल में ऑफर करेगा वो गाइस में से होगा तो मैरिक्स के साथ उसे एक्टिंग करने का चांस मिलेगा और लड़की हुई तो मैरिक्स के साथ बेडरूम में शेयर करेगी। क्यों, सब तैयार है ना? मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रात बिताने वाली वो खुशकिस्मत कौन है किसे पता। मैं फिर बता दूं, अच्छी बोली बोलने वाला लड़का हुआ तो मैरिक्स के साथ एक्टिंग करेगा और लड़की हुई तो बेडरूम शेयर करेगी। ओके, तो फिर बोली शुरू करें। चले तेरा मैरिक्स कितना डैशिंग है। एक लाख 1.2 1.5 1.7 1.9 2.3 2.6 2.7 2.9 3 lakhs 4 lakhs 4.5 4.8 5 6 lakhs 10 lakhs 11 lakhs 12 13 भाग भाग यहां से भाग। रुको, शोर मत मचाओ, रुको। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? रुको, रुको। ए, क्या कर रहे हो? छोड़ो, झगड़ा नहीं। ए, झगड़ा नहीं। पांच मिनट मेरी बात सुनो। छोड़ दो मुझे। क्या कर रही हो? बात सुनो, क्या कर रही हो? छोड़ दो मेरी बात। कम ऑन, लेट मी सी। Bitch, Bian.
थैंक यू। मार्टिन, सबसे ऊंची बोली मैंने लगाई है, इसलिए रात मेरे साथ बितानी पड़ेगी। आओ उसे छोड़ो, आओ मेरे पास। वेट वेट, आप सब लोग मेरी खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। लूना ने जैसा कहा कि आज जो मेरी सबसे ऊंची बोली लगाएगा, आज की रात मुझे उसी की बाहों में बितानी है। मगर इस बीच मैरिक्स, यहाँ सभी जानते हैं कि सबसे ऊंची बोली मैंने लगाई थी, इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा मेरे साथ। आओ, कम ऑन। ओके ओके, मैं एग्री करता हूँ। सुन लिया ना? वेट वेट, थोड़ा रुको। बड़ी बोली लगाकर जीता इसी ने है, मैं ये मानता हूँ, मगर यहाँ हुए फसाद को रोककर मेरे मन को बयान ने जीता है। बयान के गाने की वजह से ही ये झगड़ा रुका है कि नहीं? मौत हो गया। बयान नहीं होती तो यहाँ पे कत्ल हो जाता, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से इसे थैंक्स बोलता हूँ। थैंक यू बयान। आज की रात आप सबके लिए एक और सरप्राइज है। क्या होगा? जिसे आप सबके सामने कहते हुए मुझे खुशी हो रही है। आज की रात मैं बयान के साथ ही रहूंगा। यही मेरी गर्लफ्रेंड है। बयान, हे, व्हाट आर यू अप टू? हेलो, रख ले। ए, रख ले। चलो चलो ना, बैठो। चुरा ले गया है। क्या कह रही हो तुम? तुमने अपनी कार ठीक से लॉक तो की थी ना? चलो चल के ढूंढते हैं। कुछ करो। ओके ओके, मैं जाके पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। जल्दी जाओ। ओके ओके। लग रही है तो उसकी सोच के मैं डर जाती हूँ। डरती क्यों है? वो जान ले लेगा क्या? उससे मिलते हैं, जो हुआ है वो बता देंगे। उसके बारे में नहीं जानती। तू नहीं पूछा था ना उस दिन तेरा चेहरा क्यों सूजा हुआ है, तेरी आंख के नीचे काला क्यों है? तू क्या वो उस दिन कार में यही था? वो एक सैडिस्ट है, लड़कियों को तड़पा के एंजॉय करता है वो। अब क्या करेंगे हम? जो नहीं होना चाहिए था हो गया, अब फेस तो करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। हम लोग कहीं छुप जाएं तो भी ढूंढ के टॉर्चर करेगा वो। जो भी हो मैं सब देख लूंगी, ठीक है? ओके चलो अब चलते हैं। ओके चलो। क्या हुआ?
कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी कार में कोई खरोच तो नहीं आई? तो फिर पूछ रहा हूं ना, कार चोरी हो गई? कैसे हुआ ये सब? मेरी कार को गुम कर दिया तुम लोगों ने? खैर जाने दो, वसूली के तो और भी रास्ते हैं। वो क्या है कि तुम तीनों ही बहुत खूबसूरत हो, जवानी बेचो और कमा के दो, ठीक है? समझ रही हो ना? कपड़े उतारने की देर है, कर्ज भी उतर जाएगा। इतना ही नहीं, एक एक कीमती कार भी खरीद लेना कोई मुश्किल नहीं होगा। और तो कुछ नहीं, जिस्म नचवाने में थोड़ी तकलीफ होगी बस। तुम लोगों पे भरोसा है मुझे, और मुझे धोखा देने का ख्याल भी आया तो जिस्म के मुलायम गोश्त को नोच लूंगा। पैसा चाहिए, समझ गई ना तुम लोग? जाओ बिस्तर गरम करो और पैसा कमाओ। सुनियो स्टेटस की बात, कैसे डरा रहा था हम लोगों को। मैंने पहले ही कहा था, उसकी चुंगल में फंसने वाला को वो नोच डालता है। अब हम तीनों की खैर नहीं। क्या कहा? हम तीनों? मेरा इस मैटर से कोई वास्ता नहीं। एबियन, तेरे और मेरिक्स के लिए वो कार हायर की थी मैंने। उस जालिम से कार लेने की जरूरत क्या थी? तू वो कार लाई थी तभी मैंने वार्न किया था, तभी कहा था कि कार वापस कर दे, तूने नहीं सुनी। अब कहां आके फंस गई देख, इसकी तू जिम्मेदार है। तभी कहा था कि कार दे दे, तब तूने कहा था कि फिक्र मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है, कहा था ना? बोल, कहा था ना? वो सिर्फ मैंने तसल्ली के लिए कहा था, मुझे अकेली को नहीं। हाँ? हम तीनों को मिलकर ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। तुझे किसने कहा था कार हायर करने के लिए? ए, तेरी खुशी के लिए ही तो किया था। कुछ भी करके इस कर्ज को उतारना होगा। ओके। केटी। इतना ही है कि कुछ कहीं और छुपा रखा है? है तो दे दे। कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है तू। मैंने अपना कुंवारपन अपनी खुशी के लिए खोया था, कमा के लुटाने के लिए नहीं। मैं अपना जिस्म बेच के पैसे कमाऊं, मगर ये अपने कुंवारपन के साथ मैरिक से शादी करेगी, कहां का इंसाफ है ये? दिन ब दिन स्टेला केटी की हालत बिगड़ती ही जा रही है। कर्ज के कसते शिकंजे में फंसते इन दोनों ने अपने गहने कार सभी कुछ एक एक करके बेच दिया है, फिर भी कर्ज के फंदे में जकड़ी हुई है। इसके लिए रात दिन अपने जिस्म को गैर मर्दों के हवस की बलि चढ़ा रही है। उनकी तकलीफ से मैं कांप उठती हूँ, दिल पे जैसे छुरियां चलने लगती है। इनकी मदद करना चाहकर भी मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अपना कुंवारापन में किसी भी हालत में गवाने को तैयार नहीं। मैं अपनी इस बात पर अटल हूँ, मगर मेरे जज्बात अब मुझे कचोटने लगे हैं। आंखें मूंद के खुद को हालात के हवाले कर देने की ठान ली है मैंने। एक कस्टमर को कुंवारी लड़की चाहिए, रुपए जितने भी मांगे देने को तैयार है। उसकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं है, 35 या 40 के बीच होगा। क्या कहती हो?
नहीं चाहती तो मत कर। रोते हुए क्यों आ रही है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसकी वजह से नहीं मेरी जिंदगी नरक हो गई। अरे इसके और मैरिज की खुशी के लिए मैं तबाह हो गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ मैं। वो कार तेरे लिए ही तो हायर की थी, तेरी और मैरिज की खुशियों के खातिर हमारी खुशियाँ छिन गई है। देख देख कैसे पत्थर बनी बैठी है। स्टेला और मैं वो कर्ज उतारने के लिए रात दिन पिस रही है, मगर तू खुश है। चुप कर केटी। सब खत्म हो गया स्टेला, स्टेला भी पीरियड से है और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। इन सब की पूरी तरह से तू ही जिम्मेदार है। चाहे कुछ भी हो, तुझे सिर्फ अपने कुंवारेपन की फिक्र है। हम जाए बाहर में जाए इससे तुझे क्या? बड़ी स्वार्थी है तू। ओके ओके, तुम लोगों की खातिर अपनी इज्जत लुटवाने को मैं तैयार हूँ। तुम लोगों पे और बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। तुम लोगों को चाहिए कि मैं भी प्रोस्टिट्यूट बन जाऊं। बियॉन, अगली रात किससे किस होटल में मिलना है स्टेला ने सब तय कर लिया है। मेरे साथ रात गुजारने वाले ने एक मोटी रकम देने का वादा किया है। कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात होगी जिसे मुझे सहना पड़ेगा। यातना से भरे उन लम्हों की सोच कर ही मैं तिल तिल कर मरी जा रही हूँ। इतने सालों तक जिसे बचाए रखा, कल रात वो लूट ली जाएगी। इस ख्याल से ही मेरी रूह कांपने लगती है। हालात के भंवर में फंसे मेरे कुंवारेपन की लाज अब भगवान के हाथ में है। ये कहानी दिल को छूने वाली लगती है। यह उपन्यास के रूप में बहुत अच्छा रहेगा बेटा। रूम नंबर कौन सा है? 308। बियॉन, अब भी तेरी मर्जी ना हो तो अंदर आ जाओ, बाद में बात करते हैं। एक मिनट। हेलो, एक आधे घंटे में कांटेक्ट करता हूँ मैं, तब तक उन्हें वेट करने के लिए कहो। ओके ओके, मैं बात करता हूँ, रखता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम बियॉन है।
बेहान, खाने को कुछ चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। ओके, मैं नहाने जा रहा हूँ, चाहो तो तुम भी आ जाओ। आओ। कम ऑन यार। शर्ट खोलो। पीछे घूमो। अब जल्दी से शर्ट उतारो। स्कर्ट ऊपर करो, जांघे देखनी है। अंदर जाके 3 घंटे हो गए, वो कहीं उसे टॉर्चर तो नहीं कर रहा? कैसे पता? तो पहले कभी गई है उसके साथ? उसे नहीं जानती, पहले ही कह चुकी हूँ, फिर भी पूछ रही है, मेरा सर मत खा। कहीं साइकिक, पता नहीं बियॉन पे क्या बीत रही होगी, सोच के मेरा सर फट रहा है। वो थोड़ी देर अपना मुंह बंद रख, भेजा मत चाट। उसकी माँ को भी नहीं पता, 2 हफ्ते से घर नहीं गई वो। तेरा क्या हुआ, कितनी कमाई हुई? ये इतने कम क्यों हैं? इतना भी मिला गनीमत समझ, और इसे आखिरी समझ, प्रेग्नेंट रह के और मुझसे नहीं होगा ये सब। अबॉर्ट नहीं करवाया तूने? मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। तू जानबूझकर ऐसा कर रही है? ऐसा नहीं है। तू अबॉर्ट क्यों नहीं करना चाहती मैं समझती हूँ, इस झमेले से बचने के लिए ना। तेरी हालत मैं समझ रही हूँ, पर तू मेरी भी तो सोच, अबॉर्ट कराने की स्टेज में पार कर चुकी हूँ। एबॉर्ट करवा के मैं अपने बच्चे और अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे चाहे जो हो जाए,
मगर अपने बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। प्रेग्नेंट क्या हो गई, पर निकल आए तेरे। तो चाहे जो कह ले, मैं इस बच्चे को पैदा करके रहूंगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी तुम लोगों की सीखने की उम्र है। इस उम्र में जो संजोओगे वो भविष्य को संवारेगा। मैं जो कहती हूँ उसे दोहराओ। ओके मैडम, हम जो कहेंगे उसे दोहराएंगे। किसी भी उम्र में हम नशे के गुलाम नहीं बनेंगे। किसी भी उम्र में हम नशे के गुलाम नहीं बनेंगे। शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। गलत राह पर नहीं चलेंगे। माता पिता को सम्मान दिलाएंगे। शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। गलत राह पर नहीं चलेंगे। माता पिता को सम्मान दिलाएंगे। इस संकल्प से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसका सबूत है। एक साबुन के एड फिल्म के बहाने एक लड़की की अश्लील तस्वीरें खींचकर उसे बीएफसीडी में पब्लिश किया गया। इस साजिश के शिकार हुई लड़की के माता पिता से मिलने पर पता चला कि ये बड़े ही प्रतिष्ठित लोगों में से हैं। पूछे जाने पर उन्होंने जो कहा वो बहुत ही चौंका देने वाला है। उनका दावा है कि उनकी बेटी ऐसी नहीं है। इनकी शान को बट्टा लगाने के लिए ये किसी का किया हुआ षड्यंत्र है। ऊंची सोसाइटी के लोग अपनी मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं, या सचमुच इस लड़की ने उस सीडी में काम नहीं किया है, जबकि तस्वीरें साफ साफ कह रही हैं कि ये वही है। इससे पता चलता है दोस्तों कि बड़ी हैसियत वाले अपने पहुंच के जरिए संगीन या रंगीन मामलों को भी बड़ी आसानी से दबा सकते हैं। दर्शकों, अगर और जानकारी आपको चाहिए तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबर पर जरूर संपर्क कीजिए। हमारे आज के मेहमान हैं नई पीढ़ी के युवा लेखिका, जिनके उपन्यास की सारी कॉपियां बिक चुकी हैं। अगर आपको इस उपन्यास की कोई कॉपी चाहिए तो आपको पहले ही लाइन में खड़ा होना पड़ेगा या एकदम पहले पहले ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल बाजार में एक भी कॉपी बची नहीं है। तो भैया कैसी हैं आप? तो भैया आपका उपन्यास बाजार में आग लगा चुका है। हम आपसे जानना चाहते हैं आप खुद इस बुक के बारे में क्या सोचती हैं। उपन्यास के सेल के बूम के पीछे राज क्या है मैम? सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये किताब इतनी बिकेगी, इतना धूम मचाएगी। सच कहती हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार इसकी रचना की तो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि लोग इसे अपनाएंगे, प्यार करेंगे, इसे पढ़ेंगे, और वो भी इतना रस लेकर। जी हाँ, ऐसा ही कुछ है। मैंने पढ़ा है शायद यही इसकी खासियत है। आज की युवा पीढ़ी की मानसिकता आपके उपन्यास में झलकती है। वाकई इस सफलता की आप हकदार हैं। Yes? Kate? हाँ स्टेला। इस वक्त कहाँ हो? अभी मॉल में हूँ। क्या टीवी पे आ रही है? बिया? टीवी पर? हाँ हाँ इसी वक्त। बधाई हो बिया, बधाई हो। शुक्रिया। मेरी फ्रेंड्स मुझ पर जान छिड़कती थी। उन जैसी सहेलियों को पाने के लिए मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। वो नहीं होती तो ये कहानी भी नहीं होती। थैंक यू स्टेला। कैटी, तुम दोनों के प्यार को जान रहने तक मैं भुला नहीं सकूंगी। All this time I've troubled you both in so many ways. Thank you, Mom.
the tears you've shed have taught me the real meaning of loyalty and love. Thank you, Dad. Because of you, now, I understand the true colors of life. Thank you very much, sir. I salute you for what you've done. You were the one with the power to determine the ending of the story. Thanks, friends. I love you. उस रात होटल में हुआ क्या था? हाँ, हाँ? तू कुमारी है या नहीं इसका तो पता ही नहीं चला। हाँ, क्या हुआ? हाँ, मैं यो, यार, हम भी जानना चाहते हैं। अरे बताइए तो, हम भी जानना चाहते हैं। कुछ क्या तो नहीं पूछा? हाँ बताइए 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 ना प्लीज हम भी जानना चाहते हैं। लोन लो यान बताइए हमें बताइए मैडम प्लीज टेल मैडम टेल बताइए मैम प्लीज एक्सप्लेन कीजिए प्लीज हम जानना चाहते हैं बताइए प्लीज मैम मैम प्लीज बताइए उस रात को क्या हुआ था उस रात से पर्दा हटाइए मैम प्लीज बताइए बहुत देर तक थी केटी और स्टेला बाहर मेरा इंतजार कर रही थी कमरे के अंदर क्या हुआ इन दोनों को पता नहीं था मैं रोते हुए बाहर आई थी इन दोनों ने बस इतना ही देखा मैं वहां जरा भी नहीं रुकी अब केटी और स्टेला ने जो पूछा है वही सवाल आप सबके मन में भी होगा मुझे पता है उस सवाल का जवाब सुनने के लिए आप सब बेचैन है ना मैं अब आप सबसे क्या कहूं उस रात की बात ने मेरी जिंदगी ही बदल दी और मुझे भी बदल दिया आप जैसा सोचते हैं मैं वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ मजबूरी में मैं यहाँ आई हूँ पढ़ लिख कर कुछ बनने का सोचा है मैंने मेरा बाप एक निचले दर्जे का अय्याश आदमी था
जिसकी वजह से मेरी माँ पागल सी हो गई। मेरे साथ जो हुआ है, भगवान करे कि वो किसी और के साथ ना हो। सर, मैं किसी भी हाल में गलत राह पर नहीं जाना चाहती सर। ओके। यह है मेरी कहानी सर। एक 16 साल की लड़की की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसे एक नॉवेल की तरह लिखा है मैंने। इन 16 सालों में जो भी कड़वे अनुभव झेले हैं उन्हें एक नॉवेल में पिरोने की कोशिश की है मैंने। इस समाज में अपनी इज्जत बचाकर रहना बहुत बड़ी चुनौती है सर। आपसे एक बात पूछूं सर, आपकी कोई बेटी है? वो भी मेरी ही उम्र की होगी ना? मैं भी किसी की बेटी हूँ। दिन आज ही है। मेरी कहानी का अंत क्या होगा ये बाप के हाथ में है सर। इस कहानी की किरदार कुंवारी रहती है या अपना कुंवारापन लुटा देती है ये अब आप पर निर्भर करता है। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ इस जगह नहीं खड़ी होती। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आज भी बिल्कुल कुंवारी हूँ। Thank you.